मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, दांत में कीड़े लगना या कैविटी की परेशानी होना हर तीसरे इंसान में देखने को मिलती है। दांत की सफाई में नज़रअंदाजी के कारण ही ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस समस्या से छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी परेशान होते हैं। ब्रश ना करना, ब्रश सही तरीके से ना करना या खाने के बाद कुल्ला ना करने से खाने के अंश दांतों में फंसे रहते हैं। इससे दांत में सड़न पैदा होने लगती है और धीरे धीरे ये समस्या बढ़कर गंभीर हो जाती है। इसीलिए कैविटी जैसी दिक्कतों से बचने के लिए रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट खाने के बाद पानी भी नहीं पीते, इससे भी दांतों में कीड़े तेज़ी से लगते हैं। यदि दांतों में कैविटी हो गई है तो कुछ घरेलू नुस्खे इसमें रामबाण की तरह काम करते हैं। लेकिन इन रामबाण उपायों को हम आपसे साझा करें उससे पहले हम आपको कुछ मोटे कारण बता देते हैं कैविटी होने के। सबसे पहले तो चीनी या चिपचिपे भोज्य पदार्थ दांतों पर जब लंबे वक्त तक चिपके रहते हैं तो कैविटी की समस्या होने लगती है। इसके अलावा सोते समय कुछ भी खा लेना और कुल्ला ना करना या पानी ना पीना भी कैविटी की समस्या को जन्म देता है। सही तरीके से मुंह और दांतों की सफाई ना करना भी कैविटी का एक कारण है। मुंह में लार कम बनती है तो भी आपको कैविटी हो सकती है। अब बात करेंगे कैविटी की समस्या से बचने के लिए कुछ रामबाण घरेलू नुस्खों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नारियल तेल से कुल्ला करने की। जी हाँ, शुद्ध नारियल तेल लेकर उसका कुल्ला करें। कोशिश करें कि आप जितनी देर तक कुल्ला कर सकें उतनी देर ज़रूर करें और इसके बाद इसे थूक दें। इसके बाद ब्रश कर लें, आपकी कैविटी की समस्या बहुत हद तक दूर होगी। मुलैठी की जड़ से ब्रश करने की आप आदत डालें, इसके बाद कुल्ला करें। ये दांत की समस्या में बेहद कारगर होता है। मुलैठी में पाए जाने वाले प्रभावशाली एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कैविटी की समस्या को आपसे दूर करते हैं। बात करें अगर नीम के दातुन की तो नीम की दातुन करना दांत की हर समस्या को आपसे दूर रखता है। दातुन करने के बाद आप कड़वाहट कम करने के लिए टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर करते हैं। बात करेंगे लौंग के तेल के इस्तेमाल की। दांत में कीड़े लगे हों या फिर दर्द हो रहा हो, आप लौंग के तेल का उपयोग कर सकते हैं। जिस दांत में दर्द हो वहाँ लौंग के तेल को कॉटन में लगाकर दबा दें, आपका दर्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा हफ्ते में एक बार आप लौंग के तेल से दांतों की मालिश करें। लौंग के तेल में मौजूद एनहेक्सन कैविटी का दुश्मन होता है और दांतों के साथ साथ मसूड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बात करेंगे लहसुन की। लहसुन का पेस्ट बनाकर इसे आप प्रभावित दांतों पर लगाएं, कुछ समय के बाद ब्रश कर लें। लहसुन में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण कैविटी से लड़ने में सक्षम होते हैं और दांतों में सड़न मुंह की बदबू को दूर करते हैं। बात करेंगे नमक पानी के मिश्रण की। एक चम्मच नमक को एक ग्लास पानी में मिलाकर गर्म कर लें और इसका कुल्ला करते रहें। नमक के साथ पानी में मौजूद फ्लोराइड कैविटी को दूर कर देता है और दांतों पर जमे प्लाक को भी दूर करता है। बात करेंगे सबसे आखिर में हल्दी के मसाज की। हल्दी पाउडर को उंगली पर लेकर अपने दांतों और मसूड़ों पर मलने की आप आदत डाल लें। इसके बाद ब्रश कर लें। रोज इसे करने से दांत स्वस्थ होते हैं क्योंकि हल्दी में भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों के ढीलेपन को सही करते हैं। तो ये थे वो नायाब नुस्खे जिनसे आप कैविटी की समस्या को खुद से दूर रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं बताई गई ये खास जानकारी आपके काम आएगी, आपको पसंद आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को, ताकि इस तरह की खास जानकारी का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही दीजिए हमें अभी के लिए इजाज़त।